हेलो गाइस, आज मैं तीन के फोटो एडिटिंग ना फेस स्मूथ और अच्छे से फेस स्मूथ करके बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रहा फ़ोटो, पहले मैं इसको स्नैपसीड में शेयर कर लेता हूँ। शेयर करने तीन इमेज पे जाने के बाद शेडोज़ को थोड़ा सा, हाईलाइट को, एमबीएमएस को थोड़ा सा, सेचुरेशन को, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्टिव टूल में जाकर जहाँ आपका ब्लैक हो, हल्का सा ब्राइटनेस हो, बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद डिटेल्स में जाकर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इसके बाद लाइटरूम में शेयर कीजिएगा। लाइटरूम मेरा फ़ोटो भी लाइटरूम में इतने जा रहा है। फ़ोटो भी थोड़ा लोडिंग ले रहा है। लाइटरूम में जाने के बाद ये रहा प्रीसेट, इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसमें पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद बिफोर आफ्टर है, देखिए शेयर कर लीजिएगा ऑटोडेस्क में। हम चलते हैं फेस स्मूथ करने। ऑटोडेस्क में शेयर कर लेते हैं, डेस्क में चलते हैं स्मूथ करने। ये रहा ब्रश, ये रहा साइज, फॉलो को दो, स्टैंड को दो, और साइज फ़ोटो के हिसाब से देखिए। धीरे और जितना अगर टाइम देंगे फ़ोटो को उतना अच्छा से स्मूथ होगा। धीरे धीरे मैं जल्दी जल्दी स्मूथ कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बन जाए, ज़्यादा टाइम का बन जाएगा। मैं जल्दी स्मूथ कर लेता हूँ। और फेस को मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया। इसको लिप को थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ। एक एम्प्टी लेयर बनाने के बाद नॉर्मल सॉफ्ट लाइट कर लेना। इसके बाद ब्रश, ये ब्रश ले लेना है, एयर ब्रश। उसका कलर में जाने के बाद रेड कलर, और अपने लिप पे ऐसे चला लेना। इसका ऑपसिटी थोड़ा मैं इतना रख लेता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। इसके बाद इस स्नैपसीड में शेयर कर लेता हूँ। इस स्नैपसीड में शेयर करने के बाद मेरा फ़ोटो आ गया इस स्नैपसीड में। स्नैपसीड में आने के बाद इसके बाद सिलेक्टिव टूल को लेकर जहाँ मेरा हल्का ब्लैक है वहाँ मैं वाइट कर लेता हूँ। वाइट करने के बाद टूल मेन में जाकर एमबीएमएस को बढ़ा देता हूँ। इसको मैं गैलरी में सेव कर लेता हूँ फ़ोटो को। सेव करने के बाद मैं इसको गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ मेरा फ़ोटो। और इसके बाद इसका मैं बैकग्राउंड काट देता हूँ, ऑटोडेस्क में काट देता हूँ इसका बैकग्राउंड। ऑटोडेस्क में जाने के बाद लेयर, एम्प्टी लेयर के नीचे बैकग्राउंड पे टच करना है। ये ब्रश ले लेना है, ऐसे करके बैकग्राउंड को काट देना है। मैं जल्दी जल्दी काट देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
मैंने बैकग्राउंड काट लिया और इस फोटो को मैं सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ अपने गैलरी में, बैकग्राउंड ले लेता हूँ जिसको एडिटिंग करना है इसको। ये रहा मेरा बैकग्राउंड, अब इसको पिक्सआर्ट में लेकर चलता हूँ। पिक्सआर्ट में जाने के बाद मैं अपना फ़ोटो ले लेता हूँ, फ़ोटो को अच्छी तरह से बैठा लेता हूँ। इसके बाद मैं अपना PNG ढूंढ लेता हूँ, फिलहाल मैं अपना PNG ढूंढ लेता हूँ। अरे रहा PNG, इसको ले चलता हूँ, ऐसे अच्छी तरह से इसको मैं फिट कर देता हूँ। इसके बाद ये कुछ PNG है, इसको डिलीट, इसको हटा देता हूँ, इसको ऐप लगा कर इसको डन कर देता हूँ। इस केक को और इसको फिर रख लेता हूँ। अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कंप्लीट मेरा फ्रंट, वो जो भी फ्रंट अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं, मुझको तो ये अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं ही लगा लेता हूँ, थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं शैडो का PNG लगा लेता हूँ, थोड़ा PNG PNG इसको मैं अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको पहले यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। जितना फोटो को टाइम देंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा बनेगा। मैं इसको लगा लेता हूँ कर जो मैं इतफाइज में इसको इरेज कर लेता हूँ। मैं सेव कर लेता हूँ, मेरे एक और PNG है। और फिर एक PNG ये रहा, मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। न हो जाने के बाद एक और PNG है जो मैं ढूंढ कर लगा दूँ। PNG ये रहा, PNG लास्ट ही PNG है, अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। सारा हो गया, अरे थोड़ा सा पर इस और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, सिचुएशन को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, क्लियरिटी को टेम्परेचर इसे कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हेयर बनाने के लिए इसको पहले जाना है, इसमें जाकर सेव कर लेने के बाद अब चलते हैं ऑटोटेक्स में हेयर एडिटिंग करने। ऑटोटेक्स में जाने के बाद ये ब्रश रहा और ये साइज फॉलो को 51, स्ट्रेट को 25, इसको हल्का हल्का ऐसे कर लेना है, इसको हल्का हल्का ऐसे कर लेना है। इसे ठीक नहीं लग रहा है, रुकी
हो गई, इसको अच्छे से कर लेना है। थोड़ा सा और मैं फेस वो आ गया है, थोड़ा सा मार लेता हूँ। क्या हो यार, और ये देखिए मेरा 3 की फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गया। मैं इसको आपको दिखाता हूँ अपनी गैलरी में, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।